किसान कर्ज माफी योजना 2024 जी आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सभी काफी बड़ी अपडेट जो है निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें तो पूरे जो है 33 जिलों के लिस्ट जो है जारी और 33 जिलों के जो है सभी किसानों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी, 33 जिलों के सभी किसानों के लिए काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है और इन सभी किसानों के होंगे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ जी। हाँ, जितने भी किसान है जिनके बैंकों में काफी ज्यादा कर्जा है, जितने भी किसान है जिनके बैंकों में काफी ज्यादा लोन है, तो उन सभी किसानों का जो है बैंकों का जो है कर्जा माफ हो पाएगा जी। हाँ, आप सभी किसानों का जो है बैंकों का कर्जा माफी जो है होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। और 33 जिलों की लिस्ट जो है आ चुकी है, 33 जिलों की लिस्ट जारी और इन सभी किसानों का, सभी किसानों के होंगे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आप सभी के लिए सबसे बड़ी घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आप सभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं जी। हाँ, केसीसी माफ हो पाएगा और पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की राशि जो है आज यानी कि 15 अगस्त जो है 5 बजे जो है शाम के जो है आप सभी के बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर होने वाले हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आप सभी के लिए जो है 10 बड़ी घोषणा की। आपको पता ही है कि मोदी जी के द्वारा जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र जो आप सभी के लिए किए जाते हैं, उन सभी वादों को जो है, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को पूरा करने का काम आप सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा, आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स के द्वारा कि पूरे किए जाते हैं। तो आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो आप सभी के लिए यकीन मानिए जो है पूरे होने वाले हैं और इन सभी किसानों के होंगे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। क्योंकि देखो काफी ज्यादा जो किसान होते हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा लोन होते हैं, काफी ज्यादा जो किसान होते हैं जो बैंकों के लोन के वजह से, काफी ज्यादा जो किसान होते हैं जो बैंकों के लोन के वजह से, बैंकों के कर्ज के वजह से, उन सभी किसानों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी किसानों को काफी ज्यादा परेशानी जो है, प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप सभी के लिए मोदी जी के द्वारा सभी किसानों का अगर बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होगी और ये अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, अपने आप में सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो आप सभी के लिए ही काम किया जा रहे हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी आप सभी को मिलने वाला है 18वीं किस्त, और ये भी काफी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि बहुत से किसान होते हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के इंतजार में रहते हैं और एक साल में जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है बीजेपी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट्स के द्वारा एक साल में जो है 6,000 रुपये की राशि सभी किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो उन सभी किसानों के लिए काफी ज्यादा हेल्प होता है, बहुत ज्यादा सहायता जो है उन सभी किसानों को हो पाता है जिनके पास पैसों का, इनकम का, आय का जो है कोई सोर्सेस नहीं होता। तो उन सभी के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है आप सभी के लिए जो है शुरुआत किए गए हैं और अभी तक का जो है 17 किस्त तक की राशि जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल चुका है और बहुत जल्द जो है सभी किसानों को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त की राशि जो है 18वीं किस्त के बोनस मिलने वाला है और बहुत जल्द जो एक साल में जो 6,000 रुपये की राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलता है, वो 6,000 रुपये की राशि आप सभी किसानों के लिए जो है बढ़कर 12,000 रुपये होने वाला है और ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर 6,000 रुपये की राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो है 6,000 रुपये से बढ़कर अगर 12,000 रुपये हो जाता है, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात होगी। ये भी आप सभी के लिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक, सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो देखो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं जो आप सभी के लिए निकल के आते हैं, उन हर एक वादों को, उन हर एक घोषणा पत्रों को, उन हर एक मैनिफेस्टो को पूरा करने का काम आप सभी के लिए किए जाते हैं और इन सभी किसानों के होंगे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। और काफी ज्यादा किसान होते हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा कर्जा होता है, काफी ज्यादा किसान होते हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा लोन होते हैं। तो अब बताना चाहता हूँ कि उन सभी किसानों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और उन सभी किसानों का बैंकों का जो है 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो पाएगा और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी और ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा
अधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिल पाते हैं। तो टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन हर एक वादे पूरे हो पाते हैं। इसके अलावा जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती है, उन सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज भी निकल कर आने वाले हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक युवा हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी बात है, हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है तैयारी करते रहना है। तैयारी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग होते हैं जो तैयारी नहीं करते, बहुत से लोग होते हैं मेहनत ही नहीं करते, और वो खाली यही सोचते हैं कि हम कामयाब हो जाए या हमें सफलता मिल जाए या हमें सक्सेस मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, आपको किसी भी तरह से कामयाबी या आपको किसी भी तरह से सफलता नहीं मिलने वाली। जो मेहनत करेंगे, जो कोशिश करेंगे, उन्हीं को कामयाबी मिल पाएगा, उन्हीं को सिर्फ सक्सेस जो है मिल पाएगा। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल कामयाबी नहीं मिलने वाले। तो उन सभी किसानों के होंगे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इंतजार करना पड़ता है, टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन सभी वादे पूरे हो पाएंगे। जी हाँ, और 33 जिलों की लिस्ट जो है जारी, और सभी किसानों को जो है कर्ज माफी का फायदा, हम सभी किसानों को बैंकों का जो है केसीसी लोन माफी जो है देखने को मिल पाएगा। और ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे ज्यादा जरूरी आपको देखने को मिल पाएगा। तो इंतजार करना पड़ता है, टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन हर एक चीज है आप सभी के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाएंगे, मुमकिन हो पाएंगे। तो किसान कर्ज माफी योजना 2024 आप सभी के लिए निकल कर आ चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितना ज्यादा हो सके इंतजार करो, कोशिश करो, कामयाबी जो है आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली है कि अवश्य रूप से मिल पाएगा। अगर आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो आज नहीं तो कल आप जरूर ही सफल हो पाओगे, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिल पाएगा। देखो, सक्सेस उन्हीं को हासिल होता है जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ज्यादा कोशिश करते हैं, जो ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। तो यदि आप भी एफर्ट लगाते हो, यदि आप भी कोशिश करते हो, तो आपको भी कामयाबी मिल पाएगा। वरना अगर आप मेहनत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप कामयाब फिर नहीं हो पाएंगे। और नई नई भर्तियां, नई नई पोस्ट अभी आप सभी के लिए जो निकल कर आने वाले हैं, तो उसकी भी मेहनत कर सकते हैं, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी तैयारी आप जो है कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी पर ध्यान दो, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत पर आपको ध्यान देना है। जितना आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर, देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट जो है होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, यही बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता डेफिनेटली जो है मिलेगा जरूर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो।